Salam alaikum. कोई बात नहीं कर रहा अब. इस्तांबुल के भूकंप के बारे में जो आने वाला है, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, ये बात तो सही है. बात होती है गठजोड़ों की, सियासत की, पैसे की, लेकिन लोगों की जान की किसे परवाह है? किसे परवाह? इसके अलावा मौसम की भी बात होती है. जैसे कि वो कह रहे हैं कि अर्धेक में आज टेम्परेचर होगा 25 डिग्री. एक टेम्परेचर वो भी होता जो कहलाता है एयर टेम्परेचर. कभी महसूस किया है इस गर्मी को? मिसाल के लिए वहां टेम्परेचर था 25 डिग्री. वहां टेम्परेचर था 25 डिग्री पर तुमने कहा कि इतनी गर्मी नहीं लग रही. क्यों तुमने कहा ना? हो भी सकता है. इसमें कौन ना इत्तफाकी रख सकता है? हो सकता है. कोई है? मेरी जान, क्या तुम चली गई हो? घर में कोई है कि नहीं है? मेरी जान, ये बताओ कि तुम घर में हो कि नहीं हो? मर गए क्या? क्या है मेरे पैर के नीचे? ये सब क्या हो रहा है?
अमेरिकन घर पे है क्या? नहीं, अमेरिकन मेरे समय घर पर नहीं है और मुझे पता नहीं है कि वो कब तक लौटेंगे। आप चाहे तो अंदर आ सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं आना है। मैं उनसे कह दूंगा कि आप आए थे। स्कार्फ और ग्लव्स पहनकर अच्छे लग रहे हो, स्टाइल कमाल का है। अच्छे लग रहे हो। घर में ब्रेड है क्या? क्या ब्रेड? आपको ये घर क्या कोई बेकरी नजर आ रहा है? हाँ। मैं नॉर्मल ब्रेड की बात कर रहा हूँ। आपको ब्रेड चाहिए? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा है। हाँ है तो मुझे दे दो। ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं तुम्हें लूट लूंगा? समझा नहीं। मेरे दोस्त, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पास ब्रेड है क्या? मैंने तो तुमसे एक आसान सा सवाल पूछा है, बस इतना सोच में क्यों पड़ गए हो? आप घर का मेंटेनेंस करने वाले हैं ना? जी नहीं, मैं गार्ड हूँ। समझ गया, समझ गया। आपको कुछ चाहिए क्या? उसका मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर स्क्यूप, ठीक है? मिस्टर से आपका क्या मतलब है? आप मुझे कह सकते हैं ब्रदर स्क्यूप, आप छोटे हो। ब्रदर स्क्यूप, ये ले जाइए। क्या उम्र होगी आपकी? यही 34-35। अभी कम उम्र के हो तो मुझे कहाँ करें ब्रदर स्क्यूप। मतलब आधा काम हो गया। क्या मतलब आधा काम हो गया? मैं कुछ समझा नहीं। ब्रदर उसको समझ जाएंगे जल्दी। इसमें कुछ हिल रहा है। मैंने कहा ना कि मैं खुद को बदलूंगा, अपने लिए कुछ करूंगा, पर मुझे कोई खास काम आता ही नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब मामे को तो तुम अच्छे से जानते हो ना, ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। पता है, पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे उनसे फायदा होगा एक्टिंग वगैरह में। हाँ, बिल्कुल, उनसे तुम्हें कुछ तो फायदा हो ही सकता है। अब वो दिन कभी भी आए, एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, रहने दो। अच्छा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, पर मेरे पास टिप के पैसे नहीं है और गरीबी बिना एक मुसीबत है। काश मेरी सारी चीजें बिक जाए, मैंने उन्हें इंटरनेट पर डाला है। मुझे लाइव भी जाना चाहिए, है ना? क्या कहते हो तुम इस बारे में? देखो, ये आइडिया बहुत अच्छा है। तुम ऑनलाइन आ जाओ, चैनल शुरू करो। हाँ, ये भी कर सकते हैं। मेहरबान कदरदान, मैं हूँ बार्तू। ये आज मैं बात करूंगा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में और हेट्रोसेक्सुअलिटी से जुड़ी मुश्किलों के बारे में। क्या कहते हो भाई? तुम वाकई जा जाओगे? मुझे तो नहीं लगता। छोड़ो भी अर्दी, मुझे फिर से भाषण मत दो तुम। देखो बार्तू, तुम्हें अपने लिए भाषण चाहिए, तो इसलिए तुम एक नया मैनेजर ढूंढ लो। सही कह रहे हो तुम शायद। बिल्कुल, लगता है मेरे बारे में कोई जानता ही नहीं है। सही कह रहे हो, शायद एक ही इंसान जानता है मेरे बारे में, ब्रदर स्क्यूप। तो मैं कोई ढंग का मैनेजर नहीं मिल रहा क्या? एक लेडी है जिसका नाम है यल्डीज, वो सारे के सारे स्टार के साथ जुड़ी है, सबके साथ काम किया है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन तुम्हारे लिए भी तो कोई ना कोई होगा। तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार्दी। अरे क्या शुक्रिया की बात है भी, तुम मेरे दोस्त हो यार, ऐसे मत बोला करो। तुम्हारे तो कई एक्टर दोस्त हैं, तो उनसे पूछते रहो, कोई ना कोई मैनेजर तो मिल ही जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कोशिश करके देखता हूँ मैं। तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। सफाई करने का सामान, स्पॉन्ज, और बताओ स्क्रबर। मैं स्क्रबिंग नहीं करता हूँ, मेरे पास वो है। ओ, रिंगर वाला मोप, वो बढ़िया चीज है। हेलो साहब, और क्या हो रहा है? बढ़िया, मेरे पास कुछ बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बिजी हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, कुछ पूछना है तुमसे। वो तुम्हारी मैनेजर थी ना यल्डीज, ऐसे कुछ नाम था ना उसका, है ना? हाँ, मैं बार्तू बेन। नहीं, मेरा नंबर तो वही है। अच्छा, टाइम मिलेगा तो तुम्हें कॉल कर लूंगा मैं। सेट पर मिलोगे तुम? फुटबॉल बर्गू सर, बर्गू कैसे हो तुम? मैं बार्तू बेन बात कर रहा हूँ बिनबेट से। बिल्कुल।
आओ गुरगुर गाल वाला, कैसे हो तुम? हेलो, ठीक है ना? बैटमैन, हर साल बैटमैन कोई अलग हीरो बनता है ना? जेम्स बॉन्ड, उसे प्ले करने वाले भी हर बार बदलते रहते हैं। जितने ज्यादा लोग किरदार निभाते हैं, रोल और एक्टर उतना ही निखरता जाता है। देखो, शो में अगर कोई और कैरेक्टर निभाता है तो तुम्हारे लिए अच्छा है ये सब, क्योंकि लोग यही पूछते हैं, सबसे पहले कैरेक्टर किसने प्ले किया? ये था फूरकान, नाम फौरन याद आता है। अच्छा, बैटमैन कौन था? हप, जॉर्ज क्लूनी। समझ गए ना तुम? तुम ऐसे सोचो, मुझे लगता यही ठीक है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था तुम शर्मिन के साथ काम कर रही हो। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है, इसे तुम्हारा क्या मतलब है? वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? एक बार जरा तुम फोन स्पीकर पर डालो, मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात सुने। यू मेरा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है? हाँ, तुम तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हो, ऐसी क्या बात हो गई है? हाँ यू मेरा, तुम प्लीज तुंजार कुर्ते से बात करो, ठीक है? क्या बात कर रही हो? क्या ये एल्डेस एलिस का नंबर है? हाँ, हेलो। देखो, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा नंबर मैं कल से परसों से ट्राई कर रहा था। हाँ, तुम कहाँ फरार हो आजकल? या नहीं, या बस बीच का समझो। ओह, तुम तुर्किश हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब इसके लिए मुझे फातिह आकिन के पास जाना पड़ेगा ना? हम ऐसा कर सकते हैं, मैं उनकी एक फिल्म में था लेकिन मुझे उसका फीडबैक नहीं मिला अब तक, ना उनसे और ना फिल्म से। हाँ हाँ, मैनेजर के बारे में, यूरोप में काम करना है, मैं तो यहाँ कुछ कर नहीं पाया तो सोचा वहीं जाकर कुछ कर लूँ मैं। आप टैक्सी ड्राइवर हो? मैं जब वहाँ था ये नंबर मुझे तभी मिला था, शायद रॉन्ग नंबर होगा। ठीक है, हेलो गुप्से, मुझे तुमसे अपने मैनेजर के बारे में कुछ पूछना है। मेरा मैनेजर दरअसल, समझ नहीं पाया, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मतलब? तुम पानी उबालते वक्त रिलैक्स करते हो, यही कहा ना तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे। यार तुम क्या क्या बोले जा रहे हो? जीरे की वजह से चाइल्ड लेबरर की मौत हो गई? तुम्हारा मतलब तुम अभी भी वहीं पर हो क्या? हाँ, क्या कह रहे हो? जॉर्जियन के बीच में? मुझे जॉर्जियन से कोई दिक्कत नहीं है, वहां साइड पर काफी टर्किश लोग रहते हैं। हेलो सेहरान, क्या तुम्हारे पास सेतार का नंबर है? अरे मैं बार्तू बैन। हाँ हाँ, तुम्हारी फिल्म का जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, मुझे अली सुनाल से बात नहीं करनी। मुझे बात हेलो बार्बुद एस्गिमो, तुम कैसे हो? हेलो, पीछे की तरफ देखो, अरे दूसरी तरफ देखो। यहाँ जाओ, तुम यही थे? हाँ, क्या हाल है तुम्हारे? मैं तुम्हें असलियत बता दूं या फिर नहीं बताऊं? नहीं, मत बताओ प्लीज। मेरे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं काफी बिजी हूँ। कमाल है, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं एक मैनेजर को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा मैनेजर कौन है? कौन सा मैनेजर? दिमाग घूम गया है क्या? कौन मैनेजर रखता है अब? इंडस्ट्री का हाल देखा है? सबके हाथ खाली पड़े हैं। क्या पियोगे? मैं चाय पी सकता हूँ क्या? चाय बस? कमाल है पार्थू। नो, ये जहांगीर है, कहाँ है दिमाग? हाँ, केक्स पेस्ट्रीज वगैरह खाओ, क्या बात करते हो? जरा हमारे लिए दो बिस्किट ले आएंगे प्लीज? देखो, अब मशहूर होने के लिए टीवी की तो जरूरत है नहीं हमें। तुम्हें बताओ, मैं अपनी एक नई मूवी बना रही हूँ, मैं उसे प्रोड्यूस करूंगी लेकिन उसमें मैं एक्टिंग नहीं करूंगी। हाँ, एक काम करते हैं, हम दोनों पार्टनरशिप क्यों नहीं कर लेते? हाँ, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, जब फिल्म चलेगी तो मैं लौटा दूंगी। तो पैसे हैं तुम्हारे पास? देखो, मैं कुछ पैसा मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, कौन सी कंपनी से मिलना है? ये इंटरनेट पर है। वाह, इंटरनेट, स्मार्ट, तुमने ऑनलाइन कोई धमाका किया है? हाँ, कह सकती हो तुम। ठीक है, तो 50,000 की उम्मीद कर सकती हूँ? या 30 की? बोलो ना, 5,000 भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? जरा सोच कर देखो, तुम्हारा पैसा 5 गुना हो जाएगा 2 महीने में। अकल से सोचो तो जरा इसे। तुम अपनी मैनेजर्स और टीवी की बात कर रहे हो, आजकल टीवी कौन देखता है बार? तो मेरी माँ देखती है। तुम कोई हाउसवाइफ हो क्या? तुम्हें सच्चाई सुननी है कि नहीं सुननी? बार्तू डियर, सुनो मेरी,
पैसा नहीं है तो फिर चक्की की तरह पिसते रहो, गुजारा तो हो ही जाएगा। हो सकता है मैं तुम्हें मूवी में कोई रोल भी दे दूं, लेकिन कैरेक्टर के पैसे नहीं दूंगी। सच बता रही हूँ, मैं उन्हें एक कौड़ी नहीं देती। मैं मेन कैरेक्टर को पैसे देती हूँ और साइड रोल वाले आसपास से ही पकड़ लेती हूँ। देखो बुरा मत मानना, लेकिन सच में बार्तू को जानता ही कौन है? तुम्हें शायद ही किसी ने स्क्रीन पर देखा हो। सच बताऊं तो मैंने भी तुम्हें कभी स्क्रीन पर देखा ही नहीं है। ओ, लेकिन मैं किससे बात कर रही हूँ यहाँ पर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई है क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। माफ करना, फोन उठाना पड़ेगा, फिल्म वालों का फोन आ रहा है, मैं लेट हो चुकी हूँ। और मैं किससे बता रही हूँ, यहाँ तो कोई है ही नहीं। बार्तू कहाँ हो तुम? कोई मुझे दिख ही नहीं रहा। चलती हूँ, फिर मिलते हैं। चेंज रख लेना। हे कुमरुस, कैसे हो तुम? तू भाई, आप तो गरीबी की आदत हो गई है, सिर्फ सॉसेज और सलामी के बारे में ही सोचते होगे, है ना? कुमरू एक जानवर है गिज़्मो, इससे बचकर रहना तुम। और तुम जैसे जानवरों को क्या कहते हैं? घटिया इंसान। हद से आगे मत बढ़ो। मैं हद से आगे जा रही हूँ? बसों में धक्के तुम खाते हो और मुझे सिखाते हो, इतनी हिम्मत? गिज़्मो, अर्थी, कम से कम मैं तुम्हारी तरह अपने बाप के पैसे तो नहीं भोग रहा हूँ। जाम पर जाम तुम पी रहे थे और अब जहाँ जाओगे वो भी पता है। दूसरों को क्या पसंद है इसे लेकर तुम मजाक कैसे उड़ा सकती हो गिज़्मो? बात तो भाई, बात पसंद की नहीं है, पहचान। जो मुझसे सीखा है वो मुझे मत पढ़ाओ। क्या पढ़ाऊँ? ऑनलाइन फर्नीचर कैसे बेचते हैं? जुबान संभालो। आप तो रोने वाले हैं। आई एम सॉरी। उल्टे सीधे काम करोगे तो रोगे ही। ए लड़कियों सुनो, हो सकता है तुम में से कोई इसे पहचानता हो। इसे कोई रोग है, हर्पीस, फंगी, तो इसके साथ कुछ करने की सोचना भी मत, ये रोगी है। ये सब छोड़ते हैं और स्ट्रैप अंदर है, चलते हैं। चलो एडी, तुम हर बात इसके कान में क्यों बोल देते हो? मैं कुछ भी नहीं बताता, मैं जो भी बोलता हूँ ये उसको पकड़ लेती है। एडी, उसे छूना मत, तुम्हें भी कोई रोग लग गया तो। जेब से पर्स मत निकालो। अरे मैं दे दूंगा। नहीं, आज का बिल मैं दूंगी। इतनी टेंशन में क्यों हो बार्तू? तुम एक बार के पैसे दे सकती हो? दोनों के बारे में बात करनी है, यानी हमें कोई सीरियस बात करनी है ना? नहीं, बस तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ बात है। लगता है तुम मुझसे डर गए हो। मेरे मुंह से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ निकल गया था ना? हम उसे भूल क्यों नहीं जाते? वो सब बेकार की बातें हैं, उन्हें क्या याद करना? हाँ, सच बताऊं तो मुझे लगता है कि उन्हें भूल जाना चाहिए। मुझे भी लगता है। हाँ, मेरा मतलब, हम मस्ती क्यों नहीं करते? कर सकते हैं। तो चलो मस्ती करते हैं। Let's have fun. Okay. Okay. सर आप बंदो दो। हाँ हाँ, मैंने नाम तो सही लिया ना? हाँ सही लिया। सर आप गुंदोदो, मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। ओके ओके। बात तो चुचा आ गया। सही कहा। बढ़िया। क्यों ना तुम्हारे घर चले और दो फ्रेंड्स की तरह लव करें? बोलो, हम चलते हैं। अगर मैं उस घर में जा नहीं सकता तो वहां रह क्यों रहा हूँ? सही कहा ना मैंने? तुम्हारा दोस्त तुम्हें आने दे रहा है और मुझे नहीं। मैं इस आदमी को समझ नहीं पाता, इसकी हर रोज पार्टी होती है तो मैं अंदर कब जाऊंगा? तुम मस्ती करते रहो और मैं यहाँ पर। भूल जाओ, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। रात में हम यहाँ क्या करेंगे? हम खुश रहेंगे। देखो
हम एक न्यूली मैरिड कपल है। मैरिड नहीं है, होने वाले हैं। वैसे ऐसे कैसे? चलो एक गेम खेलते हैं। ओके। यहाँ किसके साथ सेक्स करोगे? पार्क में इस टाइम मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा। मैं वो नहीं कह रही, तुम यहाँ किससे सेक्स करना चाहोगे? हाँ, वो चलेगी, देखो वो चलेगी। इसका मेरे को बकवास है, टैटूज भी थर्ड क्लास है। हाँ वो ठीक ठाक लग रही है, बस उसकी फोन की स्क्रीन टूटी हुई है। बहुत ताड़ लिया इसे। वो लड़की कैसी रहेगी? कौन सी वाली? जो इधर आ रही है। बकवास। क्यों? इसके शूज बहुत घटिया है। इसके शूज से सेक्स करोगे क्या? दूर से तो बहुत ठीक लग रही है। हाँ तुम उनके सीवीज कहाँ देखते हो? इंस्टाग्राम पर भी तो तुम लोगों को उन्हें दूर से ही देखते हो और पसंद आ जाती हैं। ओके ठीक है, देखते हैं। एक मिनट दो मुझे। ओके एक मिनट दो। तो गुड लक, देखते हैं। वो देखो ये आदमी कैसे लग रहा है, गंजा। मैं तो खा जाऊं इसे। इसके पास डॉग है इसलिए? नहीं, मुझे क्यूट लगा। दिमाग खराब है। क्यों? डॉग वाले लोग मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आते। लड़कियों को लगता है कि वो बढ़िया पति बनेंगे, पर मुझे लगता है कि डॉग किसी और की भरपाई के लिए रखते हैं। शायद ये बंदा इसी से काम चलाता होगा पक्का। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सच में अच्छा। ये बंदा कैसा है? मैं तो इसे दिन में भी ना। अरे थोड़ा सोच समझ कर बोलो, यहाँ तो ऐसे 5-6 मिल जाएंगे। इन सब का ना एक जैसी दाढ़ी होती है, एक जैसा टैटू होता है, कॉफी ऐसे पीते हैं जैसे बियर पी रहे हों, एक सा म्यूजिक सुनते हैं और ऐसे दिखते हैं जैसे बहुत कूल लग रहे हों। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग। और यहाँ पर ऐसे बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। ये बंदा कैसा है? ये बंदा कहाँ का है? मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे ये गेम ना, सच कहूं तो कुछ पसंद नहीं आ रहा है अब। ओके चलो कुछ और खेलते हैं। ठीक है, पर मुझे बहुत मजा आया। ठीक है ठीक है, तुम बोलो। नहीं कुछ और खेलते हैं। ठीक है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? बातें कुछ? हाँ, हाँ, जरूर कुछ भी पूछो। शराब पूछो ना। तुम हमेशा पीले मोजे क्यों पहनते हो? ये मेरा स्टाइल है। इसे यूँ समझो जैसे वुडी एलन हमेशा से एक चश्मा लगाए रहते हैं। शायद वुडी एलन देख नहीं पाता इसलिए उन्हें पहनते हो। लेकिन वो हमेशा एक से ही ग्लासेस लगाए रहता है। स्टाइल है। तुमने अपना बैचलरहुड कहाँ गवाया? सच कहूँ तो ये किस्सा बहुत बकवास है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही बात है। लेकिन मुझसे बुरा नहीं होगा। सुनने के लायक। पहले तुम सुनाओ। नहीं मैं भी नहीं बताऊंगा। बताओ भी दो। पहले तुम बताओ ना। चलो एक साथ बोलते हैं। ठीक है। दो तीन एक, दो एक। दुबई। दुबई तो बहुत अच्छी जगह है, तो उसकी यादें बुरी क्यों? बकवास था, कुछ भी असली नहीं, सब कुछ नकली था। ट्राब्जन और भी बुरा था, वहाँ सब कुछ असली था। क्या तुमने वही अपना बैचलरहुड गवाया? वहाँ तो सिर्फ जानी जा सकती है। हम लोग वहाँ पर एक मैच देखने गए थे, तब मैं बहुत ही छोटा था और वहाँ कुछ रशियंस वगैरह थे। मुझे फुटबॉल के लिए तुम्हारा जुनून समझ नहीं आता। देखो फुटबॉल बिल्कुल थिएटर जैसी होती है, और थिएटर कहो या फिर सिनेमा, रिजल्ट क्या होगा नहीं मालूम। और ये गेम हमेशा बदलता ही रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके मैं भी ऐसी हूँ। क्या तुम्हें मेरे शूज चीप लगते हैं? नहीं ये चीप तो नहीं है, लेकिन काफी कॉमन है। मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं उतर सकता, पर जो है ठीक है। थैंक यू, शायद तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। क्या सच में? मैं सफाई कर रहा हूँ, ये बात कोई इत्तेफाक तो नहीं की जा सकती। शायद पूरी कायनात कह रही है, बार तू कुछ कुछ ग्लियान, बार तू कुछ कुछ ग्लियान।
तुम्हारी जिंदगी में बहुत गंदगी है तो उसे साफ कर लो, शायद उसका यही कहना है। बिल्कुल सही है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, कायनात यानी उनका खुदा, जो खुदा को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इस तरह बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हैं कसम से। मेरी हालत खराब है और मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ, उड़ा लो मेरा मजाक अच्छे से। कभी कभी आराम भी कर लिया करो, आराम करना जरूरी है। ब्रदर उसके तुम मुझसे मजे ले रहे हो है ना? मजे नहीं ले रहा, बस कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश समझते हो? मार्सिमेक, औरत बनने में थोड़ी कमी है। क्या कहा? बस तुम ब्रा और पहन लो। क्या बक रहे? नाराज हो गए? क्या बकवास है मार्सिमेक? क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तुम तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे ले ब्रदर उसके मेरी खिंचाई कर रहे हैं। इसे क्यों सता रहे हो उसके? मैं इसे देख भी नहीं सकता। अगर तुम्हें देखना ही है तो अपनी बहन को देखो ना, मैं कैसी लग रही हूँ। तुम तो आग लगा दोगी। शारमीन ने मुझे फोन किया था, उन्हें शायद किसी टीवी शो के लिए कोई फनी कैरेक्टर चाहिए था, उन्होंने फोटो मंगवाए हैं, तो मैं जा रहा हूँ। इसने कहा शारमीन ने इसे जॉब के लिए बुलाया? शारमीन ने किसी को जॉब के लिए बुलाया है, ऐसा है क्या? कोई जॉब ढूंढने के लिए किसी को ढूंढ रहा है और उसे शारमीन को इस जॉब के लिए किसी को ढूंढने को कहा है, क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना? किसी को ढूंढने के लिए शारमीन को फोन किया गया है ना? किसी को ढूंढने के लिए शारमीन को फोन किया गया। बैठ जाओ, थोड़ा आराम करो। मिस्टर उस्किप, ब्रदर उस्किप, ये साफ है कि कुछ मुश्किलें हल नहीं हो रही हैं मुझसे, समझ गए? आप मुझसे मजे ले रहे हो लेकिन इसका भी तो कोई तरीका होता है ना? प्लीज मुझे थोड़ी तो इज्जत दो, हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे पता है। ये मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों छोड़ूं इसे? ये मजाक था। ज्यादा मजाक से जान भी जा सकती है। क्या मतलब तुम्हारा? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम सब नहीं बक सकते हो मजाक के नाम पर। मेरे मुंह में जो आता है मैं वो नहीं कहता, जो महसूस होता है वो कहता हूं। नहीं, दिक्कत तो नहीं है पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। ब्रदर उसके तुम समझोगे या नहीं समझोगे पर मुझे एर्दिक में इतनी गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती, तुम समझ रहे हो ना? हम एक ही लोकेशन पर नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, प्लीज मुझे तुम माफ कर देना। ठीक है, इस्तांबुल के भूकंप के बारे में क्या कहोगे? ऊपर वाला तो मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचाना चाहता है। जाने मन क्या कर रही हो, मत करो। तुम एक बार फिर से बाल बाल बचे हो। ये सब क्या है? वो लोग जो आज सुबह तुम्हारा फर्नीचर देखने आए थे वो शायद किसी फिल्म के लिए फर्नीचर देख रहे थे। कौन सी फिल्म? मुझे नहीं पता और ना ही मैंने उनसे पूछा। वो सुबह आए और तुम्हारा सामान उठाकर ले गए, थोड़ा मोल भाव करके उन्होंने पैसे दे दिए। कमाल है, मेरी चीजें फिल्मों में होगी लेकिन मैं नहीं हूंगा। लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया। बढ़िया, इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए लंच खरीदूंगा और वेटर को टिप भी दूंगा। टिप को भूल जाओ और पैसा सोच समझ कर खर्च करना, साथ ही साथ मामे को भी मत बताना इस बारे में। सही कह रहे हो पर मैं तो आज रात तक खा ही सकता हूँ ना। जो चाहे खाओ, मुझे उसे क्या। इतना हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे रोल का क्या हुआ? बड़ा गुस्सा आ रहा है, शायद किसी और को दे दिया। किसे? मुझे नहीं मालूम, शायद उसे जो कैरेट का रोल निभाता था। असली एक्टर लोगों की इस मार्केट में पूछ ही नहीं है। गैस का रोल भी अब शायद वेजिटेबल से ही करवाया जाएगा। ये कैरेट कैरेक्टर है कौन सा, नया है पुराना? मुझे नहीं पता।
मैं इतने पैसे का आखिर करूंगा क्या? इन्हें अपने तकिए में छुपा लो। बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमने मान भी लिया, इसे बैंक में जमा करो जाके। बहुत बढ़िया आइडिया, बैंक। तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो बातुश। तुम भी हैरान हो जाओगे ये देखकर कि तुम 6 महीने में कितना पैसा कमा लेते हो। मेरी बात को मजाक में मत लेना, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। अब जरा मुझे इस फिल्म के बारे में बताओ ना। हाँ तो सुनो ना, ये फिल्म जो है हर एज ग्रुप के इंसान के लिए होगी, मतलब कोई भी देख सकता है। जैसे कि तुम कोई भी उम्र बताओ। 27 मान लो। बहुत अच्छी उम्र है। अमीन, ये वाकई अच्छी उम्र है। क्या तुमने सोशल मीडिया पर मेरी सिंगिंग की वीडियोस देखी हैं कभी? मैंने शायद तुम्हें कहीं भी कभी भी नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या तुम इस फिल्म में कोई गाना गाने वाली हो? तुम भी क्या अजीब बात करते हो, एक्टर की तरह सोचना बंद करो, पागल हो गए हो क्या? बेकार बात, हम आर्ट हाउस मूवी बना रहे हैं, ये फिल्म एक बुक पर आधारित है, समझे? अच्छा, बुक पर आधारित है, बहुत बढ़िया। तुम पढ़ते हो? नहीं। मैं भी नहीं। आज के टाइम में किताबें पढ़ता ही कौन है? वैसे भी स्क्रीन राइटर पढ़ेगा, उसे लिखना है ना। हमें थोड़ी लिखनी है कहानी जो हम किताबों को पढ़ेंगे, शूटिंग करेंगे और हो गया। पर किताब है कमाल की बार तू। कौन सी किताब? तुम मेरी जान हो, नाम सुना है? हद है। कौन सी किताब? तुमने तुम मेरी जान हो बुक के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है? क्या कहा? कमाल है, अमेरिका में ये इतनी हिट हुई बता नहीं सकती। इसके पब्लिशर ने इतना पैसा कमाया तुम गिन भी नहीं सकते। लेकिन कॉपीराइट के लिए तो काफी पैसा देना पड़ता है ना। ध्यान से सुनो, मैं इसे बदलूंगी, मैं इसे दोबारा लिख रही हूँ। मैंने स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा है, काफी बदल दिया है इसे, ओरिजिनल से अलग है। मैंने इस स्टोरी में कपल को डाल दिया है और ये टर्की के लिए एकदम फिट है। ओके। नाम भी ढूंढ लिया है। ओह, बताऊं क्या? बता दूं क्या? हाँ बताओ। बता दूं क्या? हाँ बताओ। Yeah! शादी की टेबल है ना कमाल का? हाँ ठीक ही है। बताओ ना। अच्छा है काफी। गुड। विस्की पियोगे तुम? बिल्कुल थोड़ी सी। जरा हमारे लिए 2 विस्की भिजवाइए। अब मैं तुम्हें फिल्म के बारे में बताती हूँ। इस फिल्म का हीरो है एक बौना। वो तेरे मेरे बीच में एक बौना था ना, तुम जानते होगे उसे। मैं चाहती थी वो ये रोल करे। वो वाला तो मुझे बौना नहीं मिला, लेकिन तेरे मेरे बीच में एक और बौना है। अभी फिलहाल मैंने दोनों में से किसी को फाइनल नहीं किया है, पर होगा कुछ इसी तरह से। अगर वो भी नहीं मिल पाया तो फिर तो मैं एनिस सरकान से ही रोल को करवा लूंगी। मैं उसे कहूंगी कि घुटनों पर झुक जाए, हम उसके पैर ही नहीं दिखाएंगे, और ऐसे हम जूतों को घुटनों पर फिट कर देंगे। हाँ, इस तरह से। हाँ। और हाँ, ये बंदा बहुत टैलेंटेड है पता है। खैर, इस बौने को एक लड़की से प्यार हो जाता है, समझे? तुम मेरी जान में हो एक कैरेक्टर था गोलुम। गोलुम मैंने उसे फिल्म में दुल्हन बनाया है। गुल्लुम। गुल्लुम ठीक है। इस गुल्लुम नाम के कैरेक्टर में ना काफी गहराई है। ये स्किज़ोफ्रेनिक है, कभी नरम कभी गर्म, समझे? एक अलग तरह की औरत है जिसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, प्यार और गुस्से की मिक्स फीलिंग है। फिर वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, उनके माँ बाप मिलते हैं, फिर उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद ये जो
नहीं, गुल्लुम कहूंगी। गुल्लुम कहती है, थोड़ी सी ओरिजिनल स्टोरी आ गई। गुल्लुम कहती है, मुझे सॉलिटेयर नहीं चाहिए। हेलो। और बोना उसकी बात को मान जाता है। बेचारा आशिक है ना। गुल्लुम बोलती है, मुझे तो हीरा चाहिए। तो हीरा खरीदने कहाँ जाएंगे? ग्रैंड बाजार। हाँ, बिल्कुल, हाँ। है ना? तो वो मिडिल अर्थ से अपना सफर शुरू करते हैं। अब ये पता नहीं क्या है, तो ये आइवलिक से ग्रैंड बाजार तक का सफर शुरू करते हैं, वो भी पैदल चलकर। और ये है इनका बेवकूफी भरा काम। बेवकूफ और क्या। और मैं ये चलने के सीन वैसे बाय बर्थ में शूट करूंगी। तुम जानते हो ना बाय बर्थ में क्या नजारे होते हैं, जब कास्ट लोकेशन में चलेंगे वो नजारों के मजे लेते हुए। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं ग्रैंड बाजार। और जब ये वहां पहुंचते हैं तो इन्हें एक बढ़िया सी रिंग भी मिल भी जाती है। और ऑटोमैन का कैरेक्टर वैसे नरगुल निभाने वाली है। ये फाइनल है, नरगुल अच्छी है। हाँ, हो सकती है। तो इसे फाइनल करने के बाद इस सीन में वो जो गुल्लू में कहती है, हम रिंग खरीदने जा रहे हैं और बाजार पहुंच जाते हैं। अब वो हीरो से कहती है कि क्या हमारे पास इतना पैसा है, क्या हम एक्चुअली इतनी महंगी रिंग खरीद सकते हैं? और फिर बोना रुकता है और गुल्लुम से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने किडनी बेच दी है तुम्हारी रिंग के लिए। इस कैरेक्टर ने तो मेरे दिल को छू लिया। तुमने इसे वाकई खूबसूरत लिखा है। क्लाइमैक्स बहुत इमोशनल है। मुझे यकीन है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना देगी। मैंने अपनी किडनी बेच दी है तुम्हारी रिंग के लिए। तुमने इसे बहुत अच्छा लिखा है। ये एक पुराने मुहावरे जैसा है, जाने मन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करके अपनी जान तक दे सकता हूँ, ऐसा कुछ। मुझे यकीन है ये हिट हो जाएगी फिल्म। हाँ, होगी हिट। होगी, तुम्हारी दुआ कबूल हो। शुक्रिया। और जब वो दोनों अंगूठी खरीद लेंगे और वो उसे पहनाएगा, तब बोना उसे देखता है और कहता है, तुम मेरी जान हो, ऐसे। और उसके बाद लड़की गायब। यानी अंगूठी पहनने वाला गायब हो जाता है ना? नहीं, वो खो जाती है। ये लोग ग्रैंड बाजार में हैं और शनिवार का दिन है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। ये बोना है, लड़की गायब हो जाती है, उसे हर कहीं वो ढूंढता है, यहाँ वहाँ हर जगह, पर वो नहीं मिलती। और बाद में ये पता चलता है कि लड़की ने अंगूठी पहनी और वो वहां से भाग गई, फरेबी कहीं की। उसके बाद बोने की हालत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, नजूमी के पास जाता है, दिमागी अस्पताल जाता है, हर कहीं भटकता रहता है। और पता है नजूमी कौन निकलता है? गंदाल्फ। समझ गया। गंदाल्फ उससे कहता है कि तुम रमजान के रोजे रखो और शफक का इंतजार करो। शफक कौन है? शफक सेजार। और ये फाइनल है। बहुत बढ़िया, कमाल का बंदा है, फाइनल कर दिया। ब्रदर, शफक के होने से फायदा तो होता ही है। एक बार शफक हाँ कह दें तो काम रुक ही नहीं सकता है। इनका नाम काफी बड़े लोगों में लिया जाता है। और गंदाल्फ का डायलॉग कुछ इस तरह से आता है, देखो मेरे भाई सुनो, तुम्हारे दिल के ये जो बंद नयन है, पहले उन्हें खोलो, उसके बाद सोर ऑन एंड ऑन। सोर ऑन? नहीं समझे? नहीं समझा। नहीं समझे? नहीं। तुम मेरी जान हो से सोर ऑन। सोर ऑन, सरी ऑन, सोर ऑन। उसमें एक सोर ऑन था। हाँ। तुम्हें पता है कि मैं चाहती हूँ कि सोर ऑन का किरदार अल्तन करे, मुझे वो पसंद है। इस कैरेक्टर में मैं बस उन्हें ही इमेजिन करती हूँ, जब से ये कैरेक्टर लिखा है मैंने सोचा है ये तो अल्तन ही करेंगे। अगर वो ये कैरेक्टर नहीं करते हैं तो एंगिन अल्तन को ले लेंगे, या फिर कोई ऐसा जिसका नाम अल्तन होगा, कोई ना कोई तो हमें मिल ही जाएगा। ये मुश्किल तो नहीं होगा ना? नहीं, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं होगा। इस मुल्क में तो कोई अल्तन होंगे, तुम्हें ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन हमारा असली मुद्दा ये है कि ये एक आर्ट हाउस मूवी है, सोशल मैसेज के साथ जरूरी है। बस मेरे दिमाग में एक ख्याल आया तो इसीलिए बना रही हूँ।
मेडिटेरेनियन इलाके में वे बनाने वाली एक फैक्ट्री में वर्कर्स को काफी तकलीफ हो रही है। खराब हालात की वजह से वो लोग हड़ताल कर रहे हैं। वो लोग जिंदगी से तंग आ गए हैं और मैं उनमें से 12 लोगों की बास्केटबॉल टीम बनाने के बारे में सोच रही हूँ, वो भी बोनो के साथ। नेट वॉलीबॉल टीम के सुल्तान, बास्केटबॉल टीम की परियां, और अगर इन सबको म्यूजिक बैंड के साथ मिला दिया जाए तो खूब पैसा कमाएंगे। या वैसे गुलूम का क्या हुआ? बाहर में जाने दो गुल्लुम को, वो तो पागल है। तुम अपनी सुनाओ, तुम तो खुश हो ना? मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रही। बाहर तू 6 महीने में मिलते हैं, मैं तुम्हें